हाय दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे फोल्डर क्वेश्चन मार्क के बारे में, जो अभी शो कर रहा है। मैं अभी लैपटॉप को ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे। और इस टाइप का प्रॉब्लम क्यों होती है, जब सिस्टम हम लोग ऑन करते हैं, सिस्टम में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे कि कौन सा डिवाइस से उसको बूट होना है और किस ट्रैक से उसको चलना है। एक फाइल में पूरा इंस्ट्रक्शन रहता है, और जब सिस्टम हमको हम लोग जब सिस्टम ऑन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। जब उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, बस जो डिवाइस से उसको बूट होना है वो बूटेबल डिवाइस नहीं मिल रहा है, वह जिस फाइल में उसके इंस्ट्रक्शन रहता है वो फाइल ही करप्टेड हो गया हो, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, क्या करना है, तभी इस टाइप का मैसेज शो करती हैं। चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए हम चार तरीके बताएंगे किस किन 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 तरीक़ों से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। पहला जो है, हम लोग सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, जो ओएस उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, जिस प्रीवियस डेट में जो अच्छी डेट में चल रहा था, प्रीवियस डेट में उस डेट में हम रिस्टोर बना के रखेंगे तो उस डेट में हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं प्रीवियस डेट में। और नहीं तो हम जो डिस्क है उस डिस्क को रिपेयर कर सकते हैं, जो क्रप्टेड हो गया उसको हम ठीक करा सकते हैं रिपेयर करके। और उससे भी नहीं हो रहा है तो हम उसको जो ओएस है उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, दोबारा उसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा फॉर्मेट करके। इससे भी नहीं हो रहा है तो लास्ट है, जो आपका जो हार्ड डिस्क है उसको फिजिकली लैपटॉप को खोल के उसको ठीक चेक करना पड़ेगा हार्ड डिस्क को। चलिए, इस चारों जो चारों स्टेप है उसको हम डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में, और देखेंगे कैसे करते हैं। लैपटॉप को ऑन करते हैं, मैकबुक प्रो को ऑन करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब अब लैपटॉप को ऑन करेंगे तो वो जो पावर बटन है, पावर बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, उसके साथ साथ पावर बटन छोड़ के उसके साथ साथ कमांड के साथ आर प्रेस करना है, रिपेयर का जो यूटिलिटी है वो ओपन हो जाएगा आपके साथ। तो इस टाइप का मैसेज शो होगा। तो अब इस सेक्शन के बाद आपका जो वाईफाई है, जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो सिलेक्टेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका वाईफाई नहीं रहेगा तो आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंटरनेट ज़रूरी है। इसके बाद आएगा आपका लैंग्वेज सेक्शन, जो कौन सा लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे वो सिलेक्ट करने के बाद आपका ओपन हो जाएगा ओएस एक्स यूटिलिटी। जो यूटिलिटी है वहाँ पे आप चारों ऑप्शन शो करेगा, हम आपको क्लियरली पिक्चर में हम डिटेल्स में दिखा देंगे। देखिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन है जो यूटिलिटी है। पहला है रिस्टोर करने का, जो प्रीवियस डेट में जो पहले बताया था, प्रीवियस डेट में रिस्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है रीइंस्टॉल करने के लिए वो इसको, और नेक्स्ट है ऑनलाइन हेल्प के लिए, और लास्ट वाला जो है डिस्क यूटिलिटी, हम वो वाला अभी चूज करेंगे, उससे हम रिपेयर करेंगे अभी। देखिए, डिस्क यूटिलिटी पे क्लिक करने के बाद आपका ये सेक्शन आएगा, ये एक्सप्लोर ओपन होगा, जहाँ पे लेफ्ट साइड में रहेगा आपका जो 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 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है वो सिलेक्टेड शो करेगा। आपका जो ओएस वाला हो, बाय डिफॉल्ट मैकिंटोस मिलकर लिखा रहता है, वो वाला हार्ड डिस्क को रिपेयर करना है, उसको लेफ्ट साइड में जो है उसको सिलेक्ट करके आप ऊपर में देखेंगे डेट मार्क क्या है, फास्ट ट्वेल्व का ऑप्शन है वो वाला क्लिक करेंगे तो नीचे में आपको रिपेयर का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपका रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका रिपेयर करने के बाद भी रिपेयर सक्सेसफुली नहीं हुआ, पर रिपेयर करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, और सक्सेसफुली हो गया तो ओके डन, तो आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। और नहीं हुआ तो क्या करना है, उसके बाद अब उसको फिर से ओएस यूटिलिटी में जाना है, आपको बैक में जाके फिर उसको ओएस को रीइंस्टॉल करना है, मतलब उसको पूरा फॉर्मेट करके रीइंस्टॉल करना है। अब जब रिपेयर करेंगे, आपका कोई डाटा बैकअप लेने का जरूरत नहीं है, आप आराम से विदाउट बैकअप में आप रिपेयर कर सकते हैं, उसमें डाटा लॉस होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब आप रीइंस्टॉल करेंगे, आपको डाटा बैकअप की जरूरत पड़ेगी, तो उसको डाटा बैकअप लेके आप रीइंस्टॉल करें। और आप मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क सो ही नहीं कर रहा है, आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तब आपको हार्ड डिस्क को चेक करना पड़ेगा, लैपटॉप को पूरा खोलना पड़ेगा, खोल के जो बैटरी है पावर को डिस्कनेक्ट करके हार्ड डिस्क को खोल के उसको क्लीन करके फिर से रिकनेक्ट कर दीजिए, फिर उसके कनेक्ट करके उसका आप चेक कर सकते हैं, इसमें 90% कम हो जाती है। और अगर नहीं हुआ तो आपका जो हार्ड डिस्क है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये सब काम आप खुद ही कर सकते हैं एक बार देख लेंगे तो। और इसमें बड़ी टेक्नीशियन के कोई, लैपटॉप की हार्ड डिस्क और डिस्प्ले कैसे चेंज करते हैं, विंडोज की और लैपटॉप की कई तरह प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करते हैं, इसी टाइप का बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ और आगे भी अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों, अब अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप IT रिलेटेड कुछ इशू फेस किया है, कोई प्रॉब्लम फेस किया है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर मदद करूंगा। थैंक यू।